हाईटेक होगी उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा डीजीपी, जनपद सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह का निरीक्षण रहा, जहां पर डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा नव निर्माण अपराध भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक की गई, तत्पश्चात पुलिस लाइन में पौधरोपण किया गया। डीजीपी द्वारा और प्रशिक्षण जवानों को उनकी ड्यूटी के समय क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे ड्यूटी करना है, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार रहे, अपने शब्दों में बताया गया कि आप सबको अन्य जनपदों में तैनात किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश ने बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस इंगेजमेंट्स हमारे हुए हैं उसमें 50,000 रुपये से और उससे अधिक के पुरस्कृत हमारे अपराधियों को हम लोगों ने अकाउंट फॉर किया है। जो 71 मारे गए हैं अभियुक्त, उनमें से 3 1,00,000 रुपये की ज़्यादा के इनामी हैं और 28 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 50,000 रुपये का ज़्यादा इनाम रहा है। कई ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर दिल्ली और हरियाणा से भी 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित था। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि और विशेषता ये रही है कि हमारे एग्रेसिव पुलिसिंग के कारण कई अपराधियों ने जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। तो इस प्रकार हमने बहुत ही एग्रेसिव वे में पिछले 1.5 वर्षों में पुलिसिंग की है। वहीं ये भी बताया गया कि कुंभ के मेले में 50,000 स्कूली लड़कियों को डिजिटल वॉलेंटियर के रूप सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जाने की तैयारी हमने कर लिया है। इतना ही नहीं, हवा में भी सुरक्षा का इंतजाम किया गया और जहां पर एक हेलीकॉप्टर 24 घंटे रहेगा, हाईटेक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष से भी अच्छा परिणाम आए, अपराध के मामले कम से कम हो, यही हर जनपद के पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा रखते हैं।